गाड़ी इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन लेके आने वाली थी, और लास्ट टाइम कोई नया ऑटोमोबाइल में आग लगी थी वो थी टाटा नैनो। उसके बाद रतन टाटा और टाटा ग्रुप पूरा मिलके भी टाटा नैनो को बचा नहीं पाए, और रतन टाटा का जो अफोर्डेबल गाड़ी का सपना था वो अधूरा रह गया। अब ऐसा नहीं है कि यार ओला इलेक्ट्रिक में सिर्फ एक प्रॉब्लम है। कोई बोल रहा है कि यार हम नॉर्मल मोड में आगे को रेव कर रहे हैं तो गाड़ी रिवर्स मोड पे चल जा रही है। कोई बोल रहा है कि यार इसके रेंज का भरोसा नहीं है। तीसरा बोल रहा है कि यार गाड़ी बीच सड़क में रुक जाती है। तो चौथा बोलता है कि भैया अभी तक तो सारे फीचर्स आए नहीं हैं। और पांचवा बोलता है कि यार इसकी बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया ओला इलेक्ट्रिक के साथ जिस कंपनी को 6 महीने पहले टेस्ला ऑफ इंडिया बोला जा रहा था उससे लोग अभी इतना ज़्यादा नाराज़ है? और एक्चुअली में ओला इलेक्ट्रिक में क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं, क्यों उसमें आग लग रहा है, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान, और जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। ओला इलेक्ट्रिक जो कि इंडिया की क्रेजी स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी होने वाली थी, वो अब फेलियर स्टोरी ऐसे क्यों लग रही है? एक्चुअल में भावेश अग्रवाल ने काफ़ी मस्त प्लान तो बनाया था, पर एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। पहले प्लान को समझते हैं। तो 25 साल की उम्र में उन्होंने ओला कैब्स की शुरुआत करी, ऊबर के साथ उन्होंने अच्छे से कम्पीट किया, पर उस बिज़नेस में ज़्यादा पैसा बन नहीं सकता, ये उनको बाद में रियलाइज़ हुआ। फिर उन्होंने देखा कि यार जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला स्पेस है ना, इसमें फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है। प्लस उन्होंने देखा कि यार टेस्ला बाहर कितना सक्सेसफुल हुई, तो उनको समझ आ गया कि यार इंडिया में भी ईवी रेवोल्यूशन आएगा। पर इंडिया में कार्स तो इतने ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं, ज़्यादा लोग टू व्हीलर्स लेते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ई स्कूटर बना दें। अब इस आइडिया के बेसिस पे उन्होंने 2019 के अराउंड $250 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली थी $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे। शुरू तो ओला इलेक्ट्रिक 2017 में हो गया था, पर यूनिकॉर्न बनने के बाद उन पे प्रेशर आ गया कि यार जल्दी मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लेके आए। अब भावेश अग्रवाल को समझ आ गया कि यार अगर वो एक स्कूटर बनाने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एथर एनर्जी को ही 7-8 साल लग गए थे और $100 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग गई थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो कोई दूसरी कंपनी को खरीदेंगे। तब उनको नेदरलैंड्स की इटर्गो कंपनी मिली जिन्होंने ऐप स्कूटर बनाया था। तो भावेश अग्रवाल को समझ आ गया कि भैया आप इस कंपनी को खरीदते हैं और सीधा इनके स्कूटर के थ्रू इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन लेके आएंगे। तो वही उन्होंने लेट 2020 में एक्चुअल में किया, पर टाइम काफ़ी तेजी से जा रहा था और यूजुअली 12 से 18 महीने बाद एक और बार फंडिंग रेज करनी होती है। पर इस बार इन्वेस्टर्स ने बोला कि यार आप प्रूफ दिखाओ कि यार इंडिया में ईवी का मार्केट कितना बड़ा है, लोग एक्चुअल में स्कूटर खरीदेंगे भी या नहीं। तो अब ओला इलेक्ट्रिक पे प्रेशर आ गया कि यार एक्चुअल में हमको एक स्कूटर मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा। ये है 5 रीज़न ओला इलेक्ट्रिक के फेलियर के। पहला, क्या जो उनका ओरिजिनल प्लान था ना वही उन्होंने पूरा बदल दिया। तो जो अटर्गो का ऐप स्कूटर था इसमें सब कुछ सही था, पर इसमें रिमूवेबल बैटरी यूज़ होती थी। तो 3 रिमूवेबल बैटरीज होती थी, हर एक बैटरी 1155 वाट आवर का होता था, और आपकी जब भी बैटरी ख़त्म होती थी आप स्वॉप कर सकते हो। और ओला इलेक्ट्रिक भी 2017 से जो अपनी रिसर्च करा था वो स्वॉपेबल बैटरी पे ही काम कर रहे थे, और लग रहा था कि भैया जो इन्होंने रिसर्च किया है उसी टाइप की कंपनी का स्कूटर खरीदा है तो सब सही चलेगा। पर जब भावेश अग्रवाल और टीम ने टेस्ट किया तब उनको पता चला कि यार ये जो ऐप स्कूटर का रेंज है वो 75 किलोमीटर्स का है और टॉप स्पीड भी 75 किलोमीटर पर आवर का है। ये वाले जो स्पेसिफिकेशन से वो मार्केट को डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते थे क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इस रेंज में काफ़ी सारे थे। और दूसरा, भावेश अग्रवाल चाहते थे कि यार जो उनकी ई स्कूटर हो उसमें 100 किलोमीटर्स का रेंज हो, 100 किलोमीटर्स का टॉप स्पीड हो, तो ताकि मार्केट को वो पूरा हिला दे। अब इसमें करीब 16 kg की बैटरी डालनी पड़ेगी और 16 kg बैटरी को आप स्वॉप तो कर नहीं सकते हो। तो इन्होंने फिर बाद में डिसाइड किया कि यार ये जो रिमूवेबल बैटरी वाला कॉन्सेप्ट ही हटा देंगे और एक फिक्स बैटरी रखेंगे। पर दिक्कत ये हुई कि यार जो बाहर का डिज़ाइन तो उन्होंने सेम रखा, पर ये जो बैटरी का साइज़ और ये सारी चीज़ें चेंज करी उसमें उनको काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े, और एक्चुअल में इनके पास टाइम कम था। 2021 आ चुका था, अभी भी पूरी बैटरी की टेस्टिंग ख़त्म नहीं हुई थी, पर इन्होंने 15 अगस्त को गाड़ी लॉन्च कर दी और ₹500 प्री बुकिंग अमाउंट रखी। अब क्योंकि इनका विजन इतना बढ़िया था, प्लस इन्होंने बोला कि यार दुनिया की सबसे बड़ी 2-व्हीलर फैक्ट्री बना रहे हैं, फ्यूचर फैक्ट्री, और उसमें मिलियंस ऑफ स्कूटर्स बनेंगे, प्लस स्कूटर के फीचर ही इतने मस्त थे कि भैया 500,000 से भी ज़्यादा लोगों ने प्री बुक कर दिया। पर दूसरी तरफ इनका स्कूटर पूरा रेडी नहीं था क्योंकि इन्होंने ओरिजिनल ऐप स्कूटर में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए थे। अब दूसरा प्रॉब्लम आया कि इनका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो सही से बनाया नहीं गया। अभी जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ईवी का, क्योंकि वही बताता है कि यार बैटरी को कैसे चार्ज करना है, कैसे डिस्चार्ज करना है। इसके लिए जो बैटरी पैक और बहुत सारे जगहों में जो सेंसर्स हैं वहाँ से ये डेटा लेता है और फिर एल्गोरिथम रन होके डिसाइड करता है कि यार एक्चुअल में क्या करना है। अब या तो ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ओला खुद बना सकता है,
या फिर किसी थर्ड पार्टी का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ले सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी से बना के खुद का ब्रांड नेम यूज़ कर सकता है। अब थर्ड पार्टी से बनाने में काफ़ी खर्चा लग जाता है, और ओला इलेक्ट्रिक तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, और अगर भावेश अग्रवाल चाहते हैं कि यार अच्छे वैल्यूएशन में फंडिंग उठाएं, तो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का टेक्नोलॉजी भी खुद ही बनाना पड़ेगा। अब एक्चुअल में ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी टेस्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एल्गोरिथम कितना सही चलता है डिपेंड करता है कि यार उसके पास डेटा कितना है। तो आपको डिफरेंट कंडीशंस में गर्मी ठंड हर जगह पर टेस्ट करना होता है, और फिर इस डेटा का यूज़ सही से किया जा सकता है। अब ओला इलेक्ट्रिक के पास इतना टाइम नहीं था, और उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारी टेस्टिंग कर ली है, पर यार कुछ महीनों में कितनी टेस्टिंग कर लोगे। अब एक्चुअल में इन्होंने कौन सा BMS सिस्टम लगाया वो तो पता नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में उन्होंने थर्ड पार्टी BMS लगाया था, फिर शायद अब खुद का लगा रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि यार ये OTA यानी ओवर द एयर अपडेट्स देके BMS सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर दें, पर यार इससे ना परफॉर्मेंस काफ़ी बैडली इफेक्ट होती है, और जब तक आपने सही से OTA अपडेट्स दिए नहीं है तब तक ये जो ई स्कूटर है काफ़ी रिस्की है। अब सीधे इतने गर्म वेदर से तो आग नहीं लगती, बट उससे बैटरी डिग्रेड हो जाती है और एक्सपेंशन हो जाता है, जिससे कि यार जो सर्किट है ना वो डिफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग सकता है। अब ओला इलेक्ट्रिक को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल्दी से सही OTA अपडेट्स देना पड़ेगा। तीसरा मेन प्रॉब्लम है कि यार इनके जो सीनियर टीम और दूसरे एम्प्लॉयज़ है ना वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है, और बहुत जल्दी कंपनी को छोड़ते रहते हैं। अब ये तो यार काफ़ी नोन प्रॉब्लम है कि यार ओला अपना जो टैलेंट है ना उनको सही से रिटेन नहीं कर पाता है। इनफैक्ट ओला के फाउंडर अंकित भाटी भी कंपनी छोड़ चुके हैं। ओला इलेक्ट्रिक के भावेश अग्रवाल के अलावा जो दोनों को फाउंडर हैं आनंद शाह और अंकित जैन, इन दोनों ने भी छोड़ दिया। इसके अलावा और भी इनकी सीनियर मैनेजमेंट टीम हर 6 महीने 8 महीने 1 साल में छोड़ती रहती है, और इससे प्रॉब्लम ये होता है कि यार ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना कोई शुरू करता है, थोड़ा ही बनाया होता है उसका छोड़ देते हैं, दूसरी टीम को फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, और इससे नॉलेज ट्रांसफ़र भी सही से होता नहीं है। और मेन रीज़न छोड़ने का ये कि डेडलाइंस ना बहुत टाइट है। भावेश अग्रवाल चाहते हैं कि यार गाड़ी कल बन जानी चाहिए थी, और उनको लगता है कि यार एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे देंगे तो स्कूटर अपने आप बन जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं। प्लस इनके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, और भावेश अग्रवाल के पास बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल है, तो कुछ भी चाहते हैं तो वो करते रहते हैं, तो इससे टीम में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और इसलिए टैलेंट छोड़ता रहता है। अब अगर आप सीनियर टैलेंट को ही रिटेन नहीं कर पाओगे तो भैया टाइम से कैसे गाड़ी बनेगी, और इसीलिए आप देखेंगे कि कंटिन्यूस डिलेज हो रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि यार अक्टूबर में वो अपना ई स्कूटर लॉन्च करेंगे, फिर बोला कि दिसंबर 15 के बाद लॉन्च करेंगे, और अभी भी अगर आप देखेंगे 5 लाख प्री बुकिंग्स हुई थी, 1,50,000 से ज़्यादा लोगों ने पूरा फुल पेमेंट कर दिया है, हार्डली 30 से 50,000 ओला स्कूटर्स ही रोड पे हैं, उनकी भी क्वालिटी कितनी सही है कितनी ख़राब है लोगों को पता नहीं है। अगला रीज़न फेलियर का ये है कि यार ओला कुछ ज़्यादा ही अलग अलग चीज़ें करते हैं। अब आपको लग रहा है कि यार ओला तो यार सिर्फ कैब चलाता है, पर भावेश अग्रवाल जो भी उस टाइम में ट्रेंडिंग चीज़ है ना वो उस फील्ड में घुस जाते हैं। जैसे कि जब फूड डिलीवरी पॉपुलर हो रहा था तो उन्होंने फूड पांडा को अक्वायर कर लिया, फूड डिलीवरी सेगमेंट में एंट्री मारी। ग्रॉसरी डिलीवरी पॉपुलर होने लगा, ओला स्टोर शुरू कर दिया, फिर ऐसे ही खुद का क्लाउड किचन फिर से ओला फूड शुरू किया, और अब आपको पता ही क्या ये जो 10 मिनट डिलीवरी बहुत पॉपुलर हो रही है, तो भावेश अग्रवाल इस चीज़ में भी कैसे पीछे रह सकते हैं। तो उन्होंने भी अपना ओला डैश लॉन्च कर दिया। अब यार ये इतनी सारी चीज़ें करेंगे जिसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा रिसोर्सेज प्लस लॉजिस्टिक्स बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अब इतनी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो कहाँ से ई स्कूटर सक्सेसफुल होगा। अभी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो ओला इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, तो इससे तो यार डिस्ट्रैक्शन होती है। और पांचवा रीज़न ओला इलेक्ट्रिक के फेलियर का है कॉरपोरेट गवर्नेंस इशूज़। अब यार ओला कैब्स में तो भावेश अग्रवाल के पास बहुत ही कम स्टेक है, और ओला इलेक्ट्रिक जब शुरू हुआ वो ओला कैब्स का एक सब्सिडरी था, पर फिर भावेश अग्रवाल ने ऑलमोस्ट सारे स्टेक्स खरीद लिए, और अब भावेश अग्रवाल मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं ओला इलेक्ट्रिक के। इंटरेस्टिंग बात यह कि जब भी ओला इलेक्ट्रिक में एम्प्लॉयज़ क्विट कर देते हैं या रिज़ाइन करते हैं तो ओला कैब्स के एम्प्लॉयज़ को भेज दिया जाता है ओला इलेक्ट्रिक में काम करने के लिए, और एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो ओला कैब्स के लिए काम कर रहे हैं या ओला इलेक्ट्रिक के लिए। दूसरी तरफ जिन इन्वेस्टर्स ने ओला कैब्स को फंड किया है वो देख रहे हैं कि यार मेजॉरिटी टाइम भावेश अग्रवाल अब ओला इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, और ऊपर से उन्होंने अभी अपने भाई की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अवेल फाइनेंस को भी अक्वायर कर लिया है। तो अवेल फाइनेंस 2017 में उनके भाई अंकुश अग्रवाल ने शुरू किया था, और शुरुआत में ओला ने भी काफ़ी उनकी हेल्प करी। इनफैक्ट कई सारा ओला कैब्स का डेटा भी अवेल फाइनेंस को दिया जाता था, और अवेल फाइनेंस बेसिकली एक न्यू बैंक है जो कि डिलीवरी बॉयज़ ड्राइवर्स और भी जो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है, तो अब उस फील्ड में भी ओला एंट्री मारेगा। भावेश अग्रवाल तो यार इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऐसे डेवलप कर रहे थे ऐसे कोई ऐप बना रहे हैं,
तो ऐप को शिप कर दिया, बाद में जो भी बग्स आएंगे उसको अपडेट देते रह गए। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर है भैया, किसी को कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और अब आग लगने के बाद तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि शायद गवर्नमेंट एक्चुअल में इन्वेस्टिगेट करेगी और रिपोर्ट मांगा है उन्होंने ओला वालों से। पर इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि यार ये जो ईवी का मार्केट है जो कि अभी काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है, अगर ऐसी आग लगता रहा तो इस मार्केट को ही पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और जो दूसरे स्टार्टअप्स हैं उनको भी लोग फिर और डाउट करेंगे। अभी तो ओला ने बोला है कि यार वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और सारे प्रिकॉशंस लेंगे ताकि अगली बार ना हो। देखना पड़ेगा कि यार ओला इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। अभी तो दिसंबर में उन्होंने $139 मिलियन $7.3 बिलियन के वैल्यूएशन में फंडिंग रेज करी थी, और क्योंकि उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर उन्होंने बोला है कि वो सेल मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करेंगे, तो इसलिए ज़बरदस्त फंडिंग मिल रही है। पर गवर्नमेंट को भी सही से चेक करना चाहिए कि यार ये जो ओला स्कूटर सही में पब्लिक यूज़ कर भी सकती है या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और जो पेट्रोल और डीजल गाड़ी है उसके लिए तो ऑटोमोटिव रिसर्च एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, पर ये जो ईवी वाला सेगमेंट है इसमें हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। तो हार्डवेयर तो ये गवर्नमेंट एजेंसी टेस्ट कर लेती है, पर सॉफ्टवेयर तो यार ये कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, और ये सॉफ्टवेयर टेस्ट करना बहुत दिक्कत है क्योंकि एक्चुअल में जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही ये सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, इसीलिए हो रहा है। और सॉफ्टवेयर को भी सही से चेक करने के लिए गवर्नमेंट को रेगुलेशन निकाल के लाना पड़ेगा। अब भावेश अग्रवाल सीईओ की पोजीशन से भी हट गए हैं और उन्होंने बोला है कि यार वो टेक्नोलॉजी और ओला इलेक्ट्रिक कार पर फोकस करेंगे, पर अभी भी ओला इलेक्ट्रिक कमबैक कर सकता है अगर वो अपने स्कूटर पर पूरा फोकस करें और सारे टेस्ट करने के बाद ही धीरे धीरे करके मार्केट में लॉन्च करें। ये नहीं कि यार एक ही बार में वो बोलेंगे भैया हम रेवोल्यूशन ले आएंगे। ऑफकोर्स जब स्टार्टअप सही नहीं चलता तब लोग कंप्लेन करते ही हैं, तब नेगेटिव बोलते ही हैं, पर होपफुली यार भावेश अग्रवाल को इतना एक्सपीरियंस है, मतलब उन्होंने ऊबर के साथ इंडिया में कम्पीट करके उनको हराया, तो वो तो यार सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। और जब भी आप इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे हो प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, दिक्कतें आएंगी, हमको सपोर्ट करना चाहिए और क्रिटिकल फीडबैक भी देना है ताकि एक्चुअल में उनको पता चलेगी यार क्या क्या गलतियाँ हैं और वो सीरियसली इन गलतियों को सॉल्व करें। पर क्या आपको लगता है कि यार एक्चुअल में ओला इलेक्ट्रिक इंडिया में ये ईवी रेवोल्यूशन लेके आ पाएगा या कोई और कंपनी या स्टार्टअप लेके आएगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और ये था ओला इलेक्ट्रिक क्यों फेल हो रहा है और क्यों उसमें आग लग रहा है उसके ऊपर केस स्टडी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। तो इस वीडियो के लिए भी ईटी प्राइम, द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट और भी कई सारे वेबसाइट्स और वीडियो से रिसर्च किया है। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।